गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आकांक्षा। आज की वीडियो में बात करने वाली हूँ उस शैम्पू के बारे में। ये है हेड एंड शोल्डर नीम शैम्पू। ये एक एंटी डैंड्रफ शैम्पू है। जैसे कि आपको पता होगा, हेड एंड शोल्डर के सारे शैम्पूज जो भी हैं एंटी डैंड्रफ शैम्पू हैं। इनके साथ इसमें ऐसी चीज़ें मिक्स की गई हैं, कुछ हेयर फॉल को कंट्रोल करते हैं, कुछ हेयर ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। ये जो शैम्पू है ये डैंड्रफ को तो दूर करेगा ही करेगा, साथ ही डैंड्रफ को करने वाले जो भी जर्म्स होते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं, उनको भी फाइट करता है, जिससे कि आपको डैंड्रफ बार बार ना हो सके। डैंड्रफ एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसका परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। एक बार आप कोई भी शैम्पू यूज़ कर लोगे या कोई भी ट्रीटमेंट ले लोगे, कुछ ही दिनों बाद फिर से भी डैंड्रफ आ सकती है। डैंड्रफ होने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि आपका स्कैल्प क्लीन नहीं रहता है, बहुत ज़्यादा ऑयली स्कैल्प है। कुछ लोगों का बहुत ज़्यादा ड्राइनेस, स्कैल्प पर ड्राइनेस होने के कारण भी डैंड्रफ की प्रॉब्लम हो जाती है। स्वेटिंग के कारण, स्पेशली अभी गर्मियाँ चल रही हैं तो स्वेटिंग के कारण, एक्सेस ऑयल के कारण डैंड्रफ की प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये जो शैम्पू है ये स्कैल्प को बहुत अच्छे से क्लीन करेगा, आपकी जितनी भी डर्ट है, इम्प्योरिटीज़ है, उसको दूर करेगा। साथ ही साथ जो भी जर्म्स होते हैं जिससे डैंड्रफ हो जाती है, उससे भी फाइट करेगा, जिससे कि आपको बार बार डैंड्रफ की प्रॉब्लम ना हो। ये जो शैम्पू है 3 साइज़ में अवेलेबल है और ईजिली ऑफलाइन, ऑनलाइन कहीं भी आपको ये मिल जाएगा। इसके टेक्सचर की बात करूँ तो एक क्रीमी टेक्सचर है। कलर बिल्कुल ऐसा है, ऐसा लगेगा जैसे आप नीम का पेस्ट यूज़ कर रहे हो, ऐसे ग्रीन कलर का है और बहुत अच्छे से लेदर करता है और बहुत अच्छे से आपके स्कैल्प को क्लीन करेगा। इसके इंग्रेडिएंट्स की बात करूँ तो इसका की इंग्रेडिएंट तो नीम है। अब इसमें नीम है, इसका ये मतलब नहीं है कि इसमें बाकी सारी चीज़ें भी हर्बल होंगी। इसमें काफ़ी सारे केमिकल्स यूज़ किए गए हैं, पैराबेन फ्री है, पर इसमें सल्फेट भी यूज़ किया गया है। मेरा स्कैल्प बहुत ज़्यादा ऑयली है, इसलिए मुझे डैंड्रफ की प्रॉब्लम बनी रहती है। तो आजकल मैं इसको यूज़ कर रही हूँ, एक दो वॉश में ही आपकी डैंड्रफ बिल्कुल चली जाएगी, अगर माइल्ड डैंड्रफ होगी तो। अगर बहुत ज़्यादा है तब आपको 3-4 बार यूज़ करना पड़ सकता है। ज़्यादातर जो एंटी डैंड्रफ शैम्पू होते हैं वो ऐसे होते हैं जिनको जब आपको डैंड्रफ है तब आप यूज़ कीजिए, ठीक हो जाती है, फिर आप उसको यूज़ करना बंद कर दो। पर ये जो शैम्पू है आप इसको लंबे टाइम तक यूज़ कर सकते हैं, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ज़्यादातर एंटी डैंड्रफ शैम्पू होते हैं उनकी जो फ्रेग्रेंस होती है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है। इसकी फ्रेग्रेंस बहुत ज़्यादा अच्छी है, बिल्कुल भीनी भी नहीं सी, बड़ी प्यारी सी फ्रेग्रेंस है जो कि आपको बिल्कुल भी इरिटेट नहीं करेगी। ये शैम्पू बहुत अच्छे से बालों को क्लीन करेगा, स्कैल्प को क्लीन करेगा, सारी गंदगी रिमूव करेगा, एक्सेस ऑयल को रिमूव करेगा। बाल बिल्कुल भी ड्राई नहीं होते हैं इसको यूज़ करने के बाद, नहीं तो ज़्यादातर जो शैम्पू होते हैं उनको यूज़ करने के बाद बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं। इसको यूज़ करने के बाद बाल ड्राई नहीं होंगे, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप कंडीशनर यूज़ ना करो। इसके साथ आपको कंडीशनर यूज़ करना ही करना है, तो आप कंडीशनर, जो भी आपको कंडीशनर पसंद हो वो कंडीशनर आप यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे कि हम शैम्पू यूज़ करते हैं डाइल्यूट करके, वैसे ही आप इसको डाइल्यूट करके अपने स्कैल्प पे अच्छे से मसाज कीजिए। थोड़ा सा ज़्यादा टाइम तक आप इसको अच्छे से मसाज करो, फिर बालों को वॉश कर लीजिए और फिर जो भी आप कंडीशनर वगैरह यूज़ करते हैं वो आप कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा शैम्पू है, डैंड्रफ की प्रॉब्लम है बिल्कुल, आप एक बार यूज़ करके देखो, आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और अगर परचेज़ करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। आई होप आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो जल्दी से लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिए। और अगर आपको डैंड्रफ की प्रॉब्लम है तो मेरे चैनल पे आपको और भी सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे जो कि डैंड्रफ की प्रॉब्लम को दूर करने में आपकी हेल्प करेंगे। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।